नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार नायक, आप देख रहे हैं नायक न्यूज़ टीवी। मैं आज मौजूद हूं दुबिया के अंदर, जो कि यहां पर एक बकरा है जो कि जिसमें मोहम्मद और एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है। क्या खासियत है इनके अंदर में और कैसे इनको जानकारी मिली, आज हम इनसे जानना चाहेंगे इन्हीं की जुबानी पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम होडल सिंह है, होडल सिंह जी। ये बकरा जो आपने बताया कि इसके ऊपर जो है कि कुदरत का लिखा हुआ, एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है, दूसरी तरफ में मोहम्मद लिखा हुआ है, आपको कैसे जानकारी मिली? हमको जानकारी मिली थी जब इसकी माँ ने इसको जन्म दिया था, तो मैं तो घर पे नहीं था, मैं बाहर था, तो मेरे पास में छोटे बच्चे का ही फोटो डाला गया था। फोटो डाला तो वहाँ में मुसलमानों में व्यापार करते हैं हम लोग जो है, तो वहाँ मैंने कई जगह दिखाया था 10-20 मौलानाओं को, मुसलमानों को, तो सब लोगों ने बताया था कि एक तरफ इस पे अल्लाह है, एक तरफ इस पे मोहम्मद है, और इसकी गर्दन पे भी अल्लाह लिखा हुआ है। दो जगह अल्लाह है, एक जगह मोहम्मद लिखा हुआ है, जब से हमको इसकी जानकारी हुई। उसके बाद में फिर 2-4 10-20 आदमियों को भी इधर उधर फैलाया, दिखाया, तो सबने जो ये लिखा है यही बताया था। जैसे कि अभी मीट ईद गई है, बकरा ईद अभी आने वाली है, और क्या रहा आपका मार्केट के अंदर में देखा जाए इसका भाव को लेकर के अगर बात करें तो क्या रेट इसका समथिंग निकल कर के आया? इसका रेट तो मान लो पिछले साल हमने जब इस पे नेट पे डाला था तो करीबन ये 1.5 साल का था, तो 1.5 साल का था तो कुछ हल्का भी था, तो एक गाजियाबाद की पार्टी ने जो है 18 लाख रुपए लगाए थे जी, फिर हमने दिया नहीं था 18 लाख रुपए। 18 लाख क्या आपको कम लगते थे क्या? अगर हाँ, इसी में अगर देखा जाए इस बकरे को, इसका जो वेट है कितना वेट होगा समथिंग इसका? इसका वेट कम से कम जो है 85-90 के ऊपर ही होगा, जो अल्लाह और मोहम्मद जो लिखा हुआ उसकी वजह से उसी की कीमत है, उसी की वैल्यू है, तो क्योंकि इस पे अल्लाह और जो मोहम्मद कुदरत का जो लिखा हुआ आया है, सबसे ज्यादा कीमत इसी की है। इसकी कोई कीमत नहीं है, कितनी का भी चल जाए, करोड़ों का चल जाए, 1.5 करोड़ का चल जाए, 50 लाख का चल जाए। लेकिन आपने क्या रखा है इसका प्राइस आगे? आगे प्राइस 18 लाख में दिया नहीं है 18 में नहीं दिया। क्या सोचा हुआ है कहाँ तक जाएगी अभी गाड़ी? देखो थोड़ा बहुत जितना भी गुंजाइश आगे, जो थोड़ा जितना भी आगे हो जाए वो देखेंगे, जितना भी मिल जाए। तो इसमें आप और क्या संदेश देना चाहते हैं इस बकरे के बारे में, जो कि व्यापारी लोगों को जानकारी मिले? हमारा संदेश यही है कि हमारा जो है ये अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, एक साइड में ये अल्लाह है और इस साइड में मोहम्मद है जी। तो जो भी मुसलमान भाई इसको तो क्या जो है, संपर्क नंबर क्या रहेगा? हमारा गांव का एड्रेस पूरा बताइए। हमारा गांव का एड्रेस है जिला अलीगढ़, गांव धोबिया, थाना अकराबाद, और हमारा मोबाइल नंबर है 85-55-82-60-36 जी। इस पे कोई भी भाई जो भी लेना चाहे वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अभी आपके पास बताया था कि कोई बाहर से सऊदी से दुबई से कोई लेने के लिए आ रहे थे? हाँ, दुबई से पार्टी आने वाली थी, दुबई से पार्टी आ रही थी। उस पार्टी का क्या है कि उसकी एक लड़की एक्सपायर हो गई जी, तो उसकी वजह से उन लोग जो है कहते हैं कि साल भर तक जो है ईद नहीं मनाते। वो ये रमज़ान के महीने में उनकी जो है कोई लड़की एक्सपायर हो गई, तो बोले हम साल भर तक ईद नहीं मनाएंगे, इसलिए वो पार्टी कैंसिल हो गई। बाकी कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं लेकिन इतनी कीमत अभी तक नहीं पहुंच रही, इतनी कीमत में हम देना चाहते हैं। गोविंद सिंह ने बताया अभी कि ये बकरा 18 लाख रुपए की कीमत की इसकी लगाई गई थी, गाजियाबाद की पार्टी आई थी लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब सोचना ये है कि अब आगे इसका क्या रेट आगे रखा जाएगा और आगे जो भी पार्टी आएंगी, व्यापारी आएंगे। सवाल है कि ये तो कुदरत की देन है, अब कुदरत ने एक अल्लाह और एक तरफ मोहम्मद लिख दिया है, लिखने के बाद और आगे भी गर्दन पर भी अल्लाह दिया हुआ है, ये तो कुदरत का ही करिश्मा माना जाएगा, क्योंकि ये तो किसी ने बनाया नहीं है, तो ऊपर से आया हुआ ऐसा है, अल्लाह की मेहरबानी है, उसी का है। नहीं, इससे तो आपको लखपति तो बनाई दी आपको? हाँ देखो, उसकी मेहरबानी है, आपको लखपति बनाई रखा, तो आप इसकी कैसी परवरिश कर रहे हैं? इसकी परवरिश तो हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, अपने बच्चे से भी ज्यादा, औलाद से भी ज्यादा इसकी जो है हम देखभाल कर रहे हैं और जो है खिलाना। अगर देखा जाए जैसे कि अगर आपका 18 लगा दिया, 20 में चला गया, 50 में चला गया, अगर चला जाता है तो मुझे लग रहा है कि बकरे की नस्ल के लिए आगे यानी पैदावारी में लोग ज्यादा से ज्यादा लोग रखेंगे, क्या पता उनकी भी किस्मत ऐसी आ जाए, ऐसा कोई अल्लाह हम लिखा हुआ अगर आ जाए तो उनकी भी किस्मत चमक जाएगी। हाँ, वो तो फिर रात लगभग जिसके नसीब में जैसा होगा जो मालिक अल्लाह देगा। तो इनके लिए खान पीने के बारे में अगर देखा जाए तो क्या आप इनको खिला रहे हैं? खाने पीने में तो सर्दी का मौसम था जब इसमें तो हम बादाम खिलाते थे, अभी फिलहाल तो गेहूँ और चना और जो है काजू खा रहा है। बादाम तो सर इंसान को मिलती नहीं है, आप बकरे को बादाम खिला रहे हैं? तो बकरे की कीमत भी हाई फाई है, बकरा भी तो अलग चीज है, इंसान को नहीं मिलती लेकिन बकरे को तो मिल रही है ना, उसका नसीब है। बहुत अच्छी बात है। तो सर इन्होंने बताया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी जो भी लोग हैं इसको अगर लेना भी चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, पूरा एड्रेस मिलेगा और लोकेशन मिलेगी आपको,
जो भी कोई भाई अगर इसको लेना चाहता है, 18 लाख इसके लग चुके हैं। 18 से अगर आप ऊपर की अगर सोचेंगे तो यहाँ पर आइएगा, उससे कम में तो नहीं करेंगे ना। उससे कम में क्या करेंगे, 18 तो मान लो पिछली साल ही दे रहे थे तो नहीं दिया, एक साल तो और बढ़ गया, एक साल और बढ़ गया तो 2.5 साल का हो गया। तो आपने बादाम काफी खिलाते होंगे एक साल के अंदर। बादाम तो पूरी सीजन हो गया ठंडी खाते हुए, और अब भी काजू और चना खा रहा है यार। भाई तो रजाई में सोया है, भाई पर रजाई पे सोया है। अच्छा, बच्चे के तरीका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनमती। तो क्या लग रहा है आपका, अब ये अब लखपति होने वाले हैं कुछ दिन के बाद? परमात्मा करेगा लखपति, यही करके जाएगा। मैं भाई गरीब है, हम तो झोपड़ी, हमारे पास क्या झोपड़ी दिख रही है, लेकिन लेंटर डालोगे बिकने के बाद? लेंटर ही डलेगा या फिर लेंटर? ऐसा कुछ नहीं है, लेंटर भी मकान भी बनाएंगे। एक लड़की भी हमारी शादी योग्य है, यानी कि अच्छी शादी भी कर पाएंगे। लड़की की शादी भी हो जाएगी, टूटी फूटी झोपड़ी भी है इसमें आपके लिए। किसी और घर में हो सकता था, मुस्लिम के घर में हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। नसीब है, जिसको देगा परमात्मा उसको देता है। हर किसी को थोड़ी ऐसी चीजें प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो गांव धुबिया है, आप सुन रहे थे अभी इनकी जवानी, ये गांव धुबिया है, बंजार समाज का बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़ी आबादी है। और यहाँ इस गांव के अंदर में एक गरीब परिवार के अंदर में जो कि बहुत काफ़ी उसमें जो परिवार रह रहा है, और उन्होंने एक बकरे का जो इस घर में जन्म हुआ है, इससे लगता है कहीं ना कहीं कि इनके जो घर की स्थिति है वो भी ठीक हो सकती है, क्योंकि बकरे की जो कीमत है उसके लिए इन्होंने बताया कि जवान बेटी भी है, उसकी भी शादी करनी है। तो अब ये है कि इस बकरे के अनुसार जो कि अगर देखा जाए तो इनकी घर की भी अच्छी स्थिति हो सकती है, घर अच्छा पक्का मकान बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, अगर जो कुदरत की अल्लाह की मेहरबानी रही तो सब कुछ बन सकता है, बन सकता है। आओ, आओ। इतना ही कुछ बने रही हमारे साथ। मैं किशोर कुमार नायक, नायक न्यूज़ टीवी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश।